बुलंदशहर की घटना में दो मुकदमे कायम हुए थे, एक पब्लिक द्वारा जो हिंसा की गई थी जिसमें कि हमारे इंस्पेक्टर शहीद हुए थे, और उसके अतिरिक्त एक गोकशी की घटना हुई थी जिसको लेके कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो जिसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ और जिसमें हमारे इंस्पेक्टर शहीद हुए, उसमें तीन लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। SIT का गठन हो चुका है और SIT इस संबंध में उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर पे जनरल पब्लिक से अपील कर रखी है कि आप लोग इसमें सभी लाभप्रद सूचनाएं शेयर करें, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, या कोई व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर अपनी बात कहना चाहता है, और जनहित में उनका नाम हम लोग गोपनीय रखेंगे। इसके अलावा जो FIR दर्ज हैं उसमें 27 लोग नामजद हैं, जिसमें से 3 आदमी ऑलरेडी जेल जा चुके हैं और 50-60 लोग अज्ञात हैं। सभी वीडियो का अध्ययन हो रहा है और मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो लोग भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और बहुत जल्द SIT गिरफ्तारियां करेगी। सर, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज सामने निकल कर आई है? वीडियो सामने आ रहा है, तो पुलिस कर्मियों से बात कर रहा है, किसका? क्या है वो? किसका? जीतू नाम के फौजी। देखिए, जीतू फौजी का नाम भी आज किसी दैनिक अखबार में ये कहा गया कि वो मुख्य अभियुक्त है। कल तक कुछ लोग दूसरे व्यक्ति को मुख्य अभियुक्त बना रहे थे। जीतू फौजी भी नामजद है, जो 27 लोग हैं उसमें से एक, उसका नाम भी है, महाव गांव के रहने वाले हैं और वो सर्विंग फौजी मेंबर हैं। तो उन सभी की भूमिका का परीक्षण चल रहा है और जल्द ही SIT इसमें कुछ गिरफ्तारी करेगी। जम्मू कश्मीर गए हैं सर, इसे गिरफ्तार करने के लिए बातचीत हुई, ये सभी चीज़ें SIT जब आवश्यकता पड़ेगी तब आपको शेयर करेगी। इसके लिए अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी और इससे इन्वेस्टिगेशन पे प्रभाव पड़ सकता है। IG क्राइम ऐसे वक्त पे एक बयान आया है जिन्होंने दिया भी है, और कहा है जो मांस था वो 48 घंटे पुराना था। जो मांस वहाँ पाया गया है उसके वो किस चीज़ का मांस था और वो कितना पुराना था, इस संबंध में फॉरेंसिक साइंस से जांच हो रही है और ऑथेंटिक रिपोर्ट आने के बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है। सर, जीतू से कोई पूछताछ हुई है? कोई टीम भेजी गई है क्या? SIT का गठन कर दिया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो सभी लोगों से और सभी चीज़ें परीक्षण करके आगे की कार्रवाई करें। सर, पुलिस की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जिसमें कोई भी वीडियो, कोई ऑडियो भेजने के लिए पब्लिक से अपील की गई है आरोपी के खिलाफ, उसमें अब तक कितनी वीडियो आई हैं और उसको किस स्तर पे है वो जो व्हाट्सएप आ रहा है उस पर? देखिए, जो वीडियो आई हैं, कितनी वीडियो आई हैं ये इसका कोई महत्व नहीं है। जो भी वीडियो आई हैं उसके संबंध में परीक्षण किया जा रहा है और उसमें से कितनी सही है नहीं है ये सभी चीज़ों का परीक्षण किया जा रहा है। नंबर के बारे में बताने का कोई औचित्य नहीं है, नंबर सैकड़ों की संख्या में है, बहुत सारे डुप्लीकेट्स भी हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों का कोई विवेचना से मत नहीं है। और हम लोगों ने वीडियो जो फोरम पर है या सरकारी लोगों के पास है उससे हम लोग पहचान करा रहे हैं और जल्द ही SIT इस संबंध में गिरफ्तारियां करेगी। सर, गिरफ्तारी में देर हो रही है, कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है, आरोपी अपने वीडियो बना के डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। गिरफ्तारी ये संवेदनशील प्रकरण है, जल्दीबाजी में कोई भी गिरफ्तारी अगर किया गया तो उसमें अभियुक्तों के छूटने के चांसेस रहते हैं, और SIT का गठन इसीलिए किया गया है IG के नेतृत्व में, और IG लगातार वहाँ कैंप करके स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। इतने संवेदनशील केस में कोई जल्दीबाजी करके जेल भेजकर इतिश्री करने का हमारा वो नहीं है। हमारी मंशा ये है कि जिसने भी इंस्पेक्टर के खिलाफ हाथ उठाया है या उनके हत्या में शामिल रहा है उसका हम कन्विक्शन भी कराएं। सर, एक आरोप ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में है, योगेश राज को बचाने के लिए दबाव में है, क्या ऐसा है? अगर कोई वैसा दबाव होता तो नामजदगी करने का क्या औचित्य था? ये सभी लोग अपनी बात करने के लिए स्वतंत्र हैं, सोशल मीडिया एक ओपन फोरम है और जो क्रिटिसिज्म आता है उसको भी हम लोग पॉजिटिव रूप में देखते हैं
और जो कमी है वो हम उसमें अपने में सुधार लाते हैं। बहुत अच्छे सुझाव भी सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, और जिस तरह से प्रिंट मीडिया या विजुअल मीडिया ने इस चीज़ों को कहा है कि इतनी बड़ी घटना होने से बच गई, वहाँ लाखों लोग थे, इस परिस्थितियाँ बहुत प्रतिकूल हो सकती थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने मिलकर चीज़ों को संभाला है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें राज्य के शीर्षस्थ अधिकारियों ने कहा है कि कोई भी अभियुक्त इसमें बचने नहीं पाए। सर, आप एडीजी हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी बड़ी साजिश थी ये जो थी, किस तरीके से वहाँ मास डाला गया, पूरा साजिश रची गई, क्या आप मानते हैं इस पूरी घटना? इस संबंध में ऑलरेडी स्टेटमेंट प्रदेश के मुखिया का आ चुका है और जब उसका पर्दाफाश होगा तो आपको बताया जाएगा। सर, जो मृतक सुमित है वो सुबोध इंस्पेक्टर पे हमला करने वाली भीड़ के अंदर पत्थर लेकर के दिखाई दे रहा है, तो क्या उसको सरकार की तरफ से वो दिया गया मुआवजा, वो कितना ठीक मानता है पुलिस विभाग उसको? देखिए, ये जो पहले तो ये कहा जा रहा था कि सुमित मौके पे नहीं था, राज्य सरकार का भी अपना विवेक होता है और उसके घर का भी एक बच्चा मरा है, अगर राज्य सरकार ने कोई सहायता दी है तो सोच समझ के दिया होगा, उसमें हम लोग को कुछ नहीं, लेकिन ये जरूर है कि राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि इंस्पेक्टर की हत्या में जो लोग भी शामिल हैं और उसमें किसी तरह से कोई कोताही न बरती जाए। इस तरीके से एक नई परंपरा चालू नहीं होगी कि मतलब भीड़ के अंदर हमला करो और फिर उसके बाद में मुआवजा मिले? इस संबंध में मैं जवाब देने के लिए सक्षम नहीं, सक्षम अधिकारी इस संबंध में बता। सवाल ये, क्या सुमित का FIR से नाम निकाल दिया गया था या नहीं निकाला गया या भी है? जब FIR में उसकी नामजदगी है तो निकाल देने की बात किसने कही है? सर, एक बात आई थी कि उसको उनके घर नहीं, बात तो बात कोई कुछ भी अपनी कहे, ये जरूर है कि अगर दोष सिद्ध भी होगा तो ये कोर्ट को अवगत कराया जाएगा, क्योंकि अब उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं होगा।